चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और हाँ चैनल के बेल आइकन को भी जरूर दबाओ और इस वीडियो को कर दो लाइक। मैं हूँ चौकड़ी बाबा और आप देख रहे हैं गॉड टेक्निकल। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल गॉड टेक्निकल। दोस्तों सिखाना मेरा काम, सीखना आपका। क्या हुआ, सोच यही रहे हो ना कि वीडियो का थंबनेल जो था उसका बैकग्राउंड कुछ अलग था, टाइटल कुछ अलग था और ये इस बैकग्राउंड के साथ। असल में सीन थोड़ा अलग है। सीन ये है कि बैकग्राउंड तैयार है, वो तो मैंने आपको इसलिए दिखाया कि इस बैकग्राउंड की स्टार्टिंग कर लेते हैं क्योंकि ये बिछड़ा नहीं है। स्टार्टिंग मैंने यहाँ से करी थी, स्टार्ट टू एंड करते हैं कि मेरा बैकग्राउंड बन गया है, कितना इक्विपमेंट लगा, क्या खर्चा उसमें आया। कॉस्ट हालांकि बताना अजीब है लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता दूंगा ओवरऑल आप क्या क्या मैंने इसमें ऐड किया है। तो देखते हैं स्टार्टिंग से ये वीडियो। जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दें दोस्तों। और इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो नहीं कर ही लो, बहुत ज़रूरत पड़ सकती है आप लोगों को। चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। गॉड प्रेजेंट, ये वही नाम है जिसके नाम से शुरुआत हमने करी। और कुछ ऐसा ये बैकग्राउंड, ये पर्दा आप लोगों ने देखा, हमेशा मैं यहाँ पर शूट करता था और इस शूट के बाद ये कुछ सेटअप है। सेटअप पर आप देखेंगे ये ट्राईपोड है, हालांकि इसके करने की बात नहीं है क्योंकि ये तो शुरू से मेरे साथ चल रहा है। ये आप देखेंगे ये चेयर मैंने एक यहाँ पे नई ली है। चेयर के बाद ये बैकग्राउंड टोटल एकदम प्लास्टिक पेंट ये मैंने किया है, तो आप इसकी शेडो देखेंगे। सिस्टम मेरा ऑन है और यहाँ शेडोज़ का ये, और यहाँ पर अगर देखें तो एक UPS सिस्टम है कि UPS के बाद नीचे वो देखिए माइक। कभी कभार मेरे को गाने गाने का मन करता तो मैं माइक यहाँ पर अपडेट कर लेता हूँ, देख लेता हूँ। और थोड़ा सा और साइड हट के देखते हैं यहाँ पर, तो ये मेरा सिस्टम है। सिस्टम ये सैमसंग की LED है। देन थोड़ा सा नीचे करेंगे तो यहाँ पर आप ये देखेंगे CPU के बाद कुछ इक्विपमेंट थोड़े से ऐसे हैं मेरे कि गाने गाने के शौकीन हो तो ज़्यादा सी बात ये होगा। और ये मेरा होम थिएटर सोनी, ये मेरा म्यूज़िक का एक ये लगा हुआ है आप देखेंगे सोनी का, हालांकि मैंने पेंट इसके ऊपर कर दिया है ताकि थोड़ा सा कुछ ऐसा लगे। और ये मेरा सिल्वर प्ले बटन, हालांकि मैं एक वीडियो इस पर ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो ये है प्ले बटन और ये मैं सामने दिख रहा हूँ ना, तो ये प्ले बटन है। और अगर मैं बात करूँ तो ये ऊपर एक लैम्प है, इस लैम्प को अगर मैं ऐसे नीचे खींचता हूँ तो ये जल जाती है, पूरा लैम्प बन जाता है। और पैक करते हैं तो ये ऑफ हो जाता है, लेकिन क्योंकि मुझे सिल्वर प्ले बटन मेरा यहाँ पर है तो यहाँ पर एक इफ़ेक्ट देने के लिए इसके अंदर एक नीचे लाइट भी है इस लैम्प की। जब आप इसको ऑन करते हैं तो ये कुछ इस तरह से इफ़ेक्ट यहाँ पर करती है, तो ये काफ़ी खूबसूरत लगता है। अब आप यहाँ देखेंगे तो एक, अगर मैं यहाँ पर नाइट आउट अंधेरा कर दूँ तो इस अंधेरे के बाद इफ़ेक्ट कुछ इस तरह से है मेरा, तो ये प्ले बटन पर ये इफ़ेक्ट रहता है मेरे, और इस प्ले बटन पर ये इफ़ेक्ट काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब आप देखेंगे बिल्कुल रेड बैकग्राउंड में एक अलग इफ़ेक्ट है यहाँ पर, तो ये एक अच्छा यहाँ पर कॉन्सेप्ट बना था तो मैंने सोचा यार क्यों ना इसको करा जाए। सिस्टम मेरा है यहाँ पर, सिस्टम में आप देख रहे हैं कि अभी सॉन्ग्स वगैरह मैंने अभी प्ले कर रखे हैं, कुछ एडिटिंग वर्क हो रहा है यहाँ पर। और बात करते हैं लाइट ऑन करके दोबारा से, तो यही कुछ है। और इसकी जो लगभग कॉस्ट है वो टोटल अप्रॉक्स 50,000 रुपये हो चुकी है, तो 50,000 रुपये की कॉस्ट मेरी पड़ी। हालांकि इसमें मेरी ये टेबल भी है, आप ये टेबल देखेंगे, और ये सब कुछ लगभग इक्विपमेंट यहाँ पर मिला के सिस्टम के साथ, तो इसका इतना खर्च बैठा। हालांकि मैं आपको खर्च नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आप लोगों की बदौलत था जो ये हुआ। और कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इस बैकग्राउंड के साथ आपको वीडियोस आगे तक ले जाने की। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।